कोटा के वक्फ बोर्ड कॉलोनी में आज एक बदमाश ने पार्किंग विवाद में अपने ही पड़ोसी पर फायर कर दिया। गनीमत ये रही कि वारदात में पड़ोसी बाल बाल बच गया। वारदात के बाद बदमाश शानू और ताहिर मौके से भाग निकला। फायरिंग की सूचना मिलने पर दादाबाड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनाक्रम की जानकारी ली। पड़ोसी फरियादी शहजाद के मुताबिक शानू आपराधिक प्रवृत्ति का है और उनका स्टील का कारोबार भी है। पुलिस का कहना है कि कुछ दिन पहले घर के बाहर ट्रक खड़ा करने को लेकर विवाद हुआ था, जब आप समझाइश से मामला शांत हो गया था, लेकिन आज सुबह अपराधी शानू ने घर के बालकनी में खड़े पड़ोसी शहजाद पर गोली चला दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से भाग निकला, जिसकी तलाश के लिए टीमें गठित कर दी हैं। कुछ भी नहीं होता, सुबह मैं तो नाके आया और नाके आने के बाद है ना, मतलब मैं तो चट्टी बनियान सुखाने आया और मतलब उसने गोली चला दी मेरे ऊपर माओजर से। शानू है, कोटा स्टील वाले का भाई। मैं मर जाता और क्या, अपराधी है और एक कुछ भी नहीं। हमारे पे क्या है, गाड़ी घोड़े ही यहाँ रहते हैं सामने, ये कहते हैं कि हम ट्रक लाएंगे उन तुम्हारे ऊपर चढ़ाएंगे। आए बस पार्किंग को लेकर विवाद, पार्किंग के लेकर क्या है, पूरे मेले वाले परेशान है उससे और पूरा मतलब आतंक फैला रखा उन्हें। तो फिर भाग निकला, वो फायर बाहर निकला पा रहा भाई साहब, मर जाता मैं। वक्फ बोर्ड में शहजाद फरियादी है, इसने रिपोर्ट दी है। इसका पड़ोसी है जाकिर और ये सोनू, इनसे 8 तारीख को इनका कोई विवाद हुआ था गाड़ी पार्किंग खड़ी करने के लिए। दोनों बिल्कुल जुड़वा ही पड़ोसी हैं। आज सुबह फिर इनकी कोई कासू नहीं हुई, इस पर ये आरोपी ने इसके ऊपर फायर किया। फायर करने पे अंदर घर के अंदर चला गया, किसी की नुकसान नहीं हुआ है, प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है और सरगर्मी से हमारी टीमें तलाश में है, शीघ्र गिरफ्तार कर लेंगे। किस चीज़ को लेकर झगड़ा हुआ, गाड़ी खड़ी पार्किंग को लेकर झगड़ा हुआ है इनका, दोनों पड़ोसी हैं और गाड़ी खड़ी करने को लेकर विवाद हुआ है, उस पर ये घटना हुई है। जिसने फायर किया वो कोई पुराना रिकॉर्ड उसका कुछ? हाँ, इसका आपराधिक रिकॉर्ड है, 7-8 मुकदमे इसके खिलाफ मारपीट के। बस इसमें ये पार्किंग का पहले भी झगड़ा हुआ, पहली बार हुआ इसके कोई? नहीं, थाने में अभी आया है, इन्होंने रिपोर्ट में कहा कि 8 तारीख को उन्होंने आपसे समझाइश से राजीनामा कर लिया था। कोटा की खबरों से अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें kotakhabar.com पर, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।